हे गाइस, आज की इस क्लास में हम आपको सिखाने जा रहे हैं सभी तरीके की सलवार कटिंग, यानी कि 3 मीटर में जो हम बनाते हैं वो मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिया है। उसके अलावा भी 3 मीटर वाली तो आप कट कर लोगे, लेकिन आपके पास जैसे कि कम फैब्रिक है, 2 मीटर है, 2.5 मीटर है, सीधी सलवार कट करनी है या फिर नैरो सलवार कट करनी है, वो किस तरीके से कट करोगे, तो चलिए आज की क्लास में हम आपको वो सब चीज सिखाने वाले हैं। सो गाइस, ये देखिए हमने ये 3 मीटर फैब्रिक लिया है, लेकिन ये 3 मीटर में तो आप बना ही दोगे कोई भी सलवार लाइनिंग की हुई। इसमें हम आपको, यानी कि आपके पास होता जैसे कि 2.5 मीटर फैब्रिक या फिर 2 मीटर फैब्रिक, तो आप लाइनिंग वाली सलवार को किस तरीके से कट करते, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे कि इक्वल फैब्रिक है आपका, उसमें तो आप कलियों को तिरछा भी कट कर दोगे, वैसे तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक मौके तिरछा भी कट कर दोगे तो चल जाएंगी, लेकिन ये लाइनिंग है, इसकी कली आप किसी भी तरफ से तिरछी कट नहीं कर सकते, क्योंकि पल्ले हैं आपकी लाइनिंग में सीधे रहेंगे, कलियां तिरछी कट नहीं हो सकती। आप इसको जब कट कर रहे हो तो आपका फैब्रिक पूरा नहीं बैठ रहा, तो किस तरीके से कट करेंगे वो देखिए। हम इसको डबल फोल्ड करके ले लेते हैं, ये तो 3 मीटर है, लेकिन हम आपको 2 या 2.5 मीटर के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। एक आपने ध्यान रखना होता है कि सलवार कोई भी कट करो तो जो आपकी ये कन्नी होती है ये लेंथ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बाई चांस कोई ऐसी सलवार होएगी जिसमें आप तिरछी कलिया कट कर दो, वरना आपने तिरछी कलिया कट नहीं करनी, इससे सलवार का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। हमने पल्ले फोल्ड कर लिए साथ के साथ, ये हमारे पल्ले हो गए। इसको आप 2 कली वाली सलवार भी बोल सकते हो, या फिर जैसे कि आपने कलियां 4 ही निकालनी है तो आप वो चीज भी देख सकते हो। ये देखिए, हमने ये फोल्ड कर लिया फैब्रिक। मैंने आपको बताया था कि हम कितना ले सकते हैं पल्ले की चौड़ाई, कम से कम हमारी 5.5 तो आनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब हमने इसकी जो चौड़ाई ली है वो 7-7.5 इंच के करीब ली है। आप इतना ही ले सकते हो, लेकिन आप इसको कम ज्यादा करना चाहते हो कि हमने कितने करने हैं, आप यहाँ पे निशान लगाइए, हम 7 इंच के पल्ले लेंगे। 7 इंच पे हमने निशान लगा लेना है कन्नी के अकॉर्डिंग, यहां से। अब हम इसको यहां से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, कोई भी आप निशान लगाओ, इसी तरीके से लगाने ताकि आपको बार बार मापने की जरूरत ना पड़े। ये हमारे पल्ले हो गए इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर यहां से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, हमने फैब्रिक को 7-7 इंच करके बिछा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहां से 4 इंच माइनस करेंगे इंची टेप को, और जितनी हमारी लेंथ है उतनी पे ही निशान लगा लेंगे। तो हमारी लेंथ है 36 पे हमने निशान लगा लिया, 4 इंच माइनस किया, 36 पे निशान लगा लिया। इसको सीधा कर लेते। अगर आप चाहते हो कि हमें तो 4 कलियां ही चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहां से इन पल्लों को अलग कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि हम 2 कलियों की सलवार बनाएंगे, तो आप ये कलियां साथ के साथ अटैच कट कर दोगे, 2 कलियां और कट कर लोगे, ठीक है। तो अब हम इसको यानी के साथ के साथ ही कट करेंगे, या फिर इसको अलग कट कर देते हैं। साथ के साथ की हम आपको एक्स्ट्रा सलवार बताएंगे, के यहां से हम पल्ले अलग कर लेते, क्योंकि जरूरी नहीं होता कोई ये देखे कि हमें तो 2 ही ज्वाइंट चाहिए थे, वो एक तरफ ज्वाइंट नहीं दिखता, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन कोई कोई बनवा लेता। यहां से ये हमारे पल्ले कट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, कलियां कट करनी है। पल्ले हमारे साइड में रख देते हैं, ये हमारी कलियां हो गई है। यहां से हम एक तरफ से आसन निकाल लेंगे, आप किसी भी तरफ से निकाल सकते हो, क्योंकि हमने पल्ले तो अलग ही कर दिए। आप क्या कर सकते थे, अगर आपकी कलियां साथ पल्ले साथ में जुड़े हुए होते, वहां से आसन निकालते, कट करते। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से लेंथ ले रहे हैं कलियों की, 4 इंच माइनस किया, माइनस करने वाला सबको तरीका समझ आ रहा है, 36 पे निशान लगाया। अब हम यहां से
जितना हमें आसन चाहिए उतने आसन का हम एक निशान लगा लेते हैं। यहां से हमने 9 इंच पे एक निशान लगा देना। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने बिल्कुल कॉर्नर से तो ये निशान नहीं मिलाना, क्योंकि हमारे पास मोहरी जो है उसका साइज में हमें देखना होता है। हमारी मोहरी है 6 इंच की, हमारे पल्ले थे कितने, 7.75 इंच, यानी कि 7 इंच के। हम क्या करेंगे, 1/2 इंच तो मार्जिन का लेंगे इसमें, और हमारे पल्ले 7 इंच के थे तो हमने यहाँ से मार्जिन समेत 1/2 इंच उसमें मार्जिन का चला गया, 7 इंच यहाँ पे मिला के रखा। उसके बाद अब हम मोहरी देखेंगे हमारी कितनी है, 6 इंच की हमारी मोहरी है, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं तो हमारा यहाँ से 1 इंच के ऊपर निशान लगेगा। समझ के किस तरीके से लगाया है, फिर भी नहीं समझे तो एक बार यहाँ से लगा के दिखाते हैं। ये पल्ले हमने यहाँ पे रख लेने, आधा इंच दबाते हुए हमने मोहरी तैयार करनी है हमारी 6.5 की करनी है हमने, 6 इंच पे निशान लगाया, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, हो गया मार्जिन। इनको साइड में करते हैं, यहाँ पे हम 1 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं, यहाँ पे अब हम कॉर्नर से मिला देंगे इस तरीके से। हमने यहां से कॉर्नर से इसको मिला देना है। अब ये देखिए, अब हमने वहां पे कॉर्नर पे क्यों मिलाया, क्योंकि हमें दिख रहा है हमारा फैब्रिक बहुत ही ज्यादा, ठीक है, इसलिए हमने कॉर्नर पे मिलाया। हमने पहले भी आपको बताया था ये तो 3 मीटर है, लेकिन हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि 2.5 मीटर में कैसे बनेगी। 3 मीटर में तो सीधी सी बात है खुली कलियां बन जाती, जैसे हमने कल बताया था खुली कलियां, उसमें तो लाइनिंग आपकी तिरछी जाती ही नहीं। लेकिन मान के चलो आपका ये फैब्रिक इतना ही होना था, बस इतना ही, ये एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग समझा रहे हम आपको, क्योंकि हमारे पास कम फैब्रिक नहीं था, इतना ही था सिखाना था। अब हम मान के चलो इतना ही फैब्रिक होता आपके पास जो आप ये देख पा रहे हो, तो उसमें आप वो कॉर्नर वहां से ऐसे नहीं लेते जैसे हमने अब ले दिया है। उसमें हम क्या करते, उस साइड से फिर से लेंथ देखते या इन कलियों को कट करते, उसके बाद इन कलियों को रखते, वरना तो वो लेंथ कम रह जाती अगर आपके पास इतना ही फैब्रिक आगे की तरफ बचा हुआ होता। अब हमें दिख रहा है हमारे पास काफी फैब्रिक है तो हम डायरेक्ट ऐसे ही निशान लगा देते हैं, तो हम इन कलियों को एक बार कट कर लेते हैं। अब इन्हीं कलियों को हम यहां पे रखेंगे, यहां से भी हम कट कर लेते हैं। से ये हमारी कलियां कट होगी। अब हमारे पास जैसे कि कम फैब्रिक होता है तो जो साइड में फैब्रिक बचता है ना, इसमें से हम बेल्ट निकाल लेते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे 7 इंच क्यों लिया था कम से कम, क्योंकि हमारी बेल्ट हम 7 इंच की निकाल रहे हैं, फैब्रिक वेस्ट ना हो। यहाँ पे 6.5 लेते तो फिर वो बेल्ट नहीं बन पाती अच्छे से कम वही कह रहे हैं 7 इंच तो आप जरूर लेना। बस ये चीज दिखाना चाह रहे थे। यहाँ पे ये हमारे पल्ले हो जाएंगे अब उस साइड में, ये हमारी कली हो जाएंगी। अब हमने इसमें से बेल्ट निकालनी, साइड वाला फैब्रिक का जो, इसमें से बेल्ट निकाल लेंगे। बेल्ट का तरीका हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कल कि हम किस तरीके से निकालेंगे। जितनी हमारी हिप है, हिप का 1/2 करेंगे 3 इंच एक्स्ट्रा। इनकी हिप है 20 इंच की, यानी कि 40 की, हिप का 1/2 किया 20 हो गया, 3 इंच एक्स्ट्रा तो हमारा 23 इंच हो गया। अब हमने कल एक चीज और बोली थी कि ज्वाइंट होता है इसलिए हम मार्जिन बाद में लेंगे, तो ज्वाइंट है इधर की तरफ, हम 1/2 इंच ही मार्जिन लेंगे तो हमारा 23.5 की बेल्ट कट हो जाएगी। 7-7 इंच पे हम निशान लगाते हैं और इस बेल्ट को कट कर लेते हैं। आपको हर जगह निशान लगाने की नीड नहीं होती, आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया करो ताकि एक दो जगह निशान लगा के जब फोल्ड करके कट करोगे तो वो इक्वली कट होगा। ये आपकी बेल्ट कट होगी, एक ही तरफ ज्वाइंट लगेगा तो आपकी 23 इंच की बेल्ट रेडी हो जाएगी। तो ये आपकी सलवार आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई है। अब हम आपको दूसरी सलवार बताते हैं, यानी कि बिना बेल्ट की, जिसमें बेल्ट नहीं लगेगी वो।
चलो अब हम आपको सिखाते हैं बिना बेल्ट की सलवार, इनके इसमें हम बेल्ट नहीं लगाएंगे। आपने क्या देखा कि बेल्ट वाली कोई भी सलवार हम कट कर रहे हैं, यहाँ से 4 इंच माइनस कर रहे हैं। अब इसमें हमने लेंथ कैसे निकालनी है, एक तो आपने ये डिफरेंट करना है लेंथ का कि हमारी लेंथ है जैसे कि 34, ज़्यादा साइज नहीं है 34। यहाँ से भी आप एक बार इक्वल ज़रूर कीजिएगा, कोई भी फैब्रिक हुआ हम हर बार करते हैं, पहले बिछाएंगे फैब्रिक को उसके बाद हम यहाँ से इक्वल करेंगे। अब हमने क्या करना है, बेल्ट वाली सलवार में हम कर रहे थे 4 इंच माइनस, इसमें हम करेंगे प्लस। कितना प्लस करेंगे, 2 इंच करेंगे। जैसे कि 34 है हम लेंगे 36। हमने 2 इंच प्लस क्यों किया, 1.5 इंच हमारा गया नेफे में, आधा इंच हमारा गया मोहरी में, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। अब हम जैसे कि ये हमारी जो सलवार होगी बिना बेल्ट की, इसको ज़्यादा हैवी बनाते हैं तो ये थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, बहुत ही ज़्यादा नेफे में ऐसे सलवटें हो जाती हैं जब हम इसको पहनते हैं, तो इसको ज़्यादा हैवी नहीं बनाएंगे, नॉर्मल ही बनाएंगे। हैवी का आपको समझ आ गया तरीका, यहाँ से पल्ले निकालेंगे। अगर आपके पास 3 मीटर फैब्रिक है तो उसमें से डबल खुला बिछा के हम उस तरीके से कलियाँ कट कर देंगे, लेकिन बहुत ही खुली हो जाएगी। बेल्ट वाली तो क्या होती है, समेट लेती है अपने आप में उसको, बेल्ट में सारी सलवटें सेट हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें वो इतने हिस्से में ही पकड़ने में आ जाती है। अब ये बिना बेल्ट की है तो यहाँ से हमने 36 लिया, यहाँ से भी हम 36 ले लेते हैं। हमने एनसी टेप को माइनस नहीं किया, प्लस ही किया है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं, यहां से भी इक्वल कर लेते हैं एक बार फैब्रिक को। अब हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे पल्ले तो हम फोल्ड नहीं करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि हमने मोहरी कितनी बनानी है। हमारी जो मोहरी है वो 1.25 की है, तो हमने जो कलियां होती हैं वो नीचे तक ही लेनी है। तो आप इसको क्या करोगे, जो स्टैंडर्ड साइज होता है आपका वो 7 इंच होता है, उससे कम ज्यादा आप ले सकते हो। अब हम इसको इतना सा फोल्ड कर रहे हैं 7 इंच के लगभग, यहाँ से इसको कट कर देंगे। इसमें से हमने बेल्ट नहीं निकालनी, लेकिन फिर भी कट करेंगे क्योंकि बहुत ही चौड़े अगर पल्ले ले लेंगे तो हमारी कलियाँ इतनी ऊपर जुड़ेंगी जो कि अच्छी नहीं लगती, तो हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं। इसको हम मोहरी में यूज कर लेंगे, इसको साइड कर देते हैं, ये हमारे पल्ले हो गए। पल्ले हमने कितने चौड़े साइज के लिए हैं, यहाँ से 7 इंच के, इसमें से हमारी जो मोहरी है 1.25 इंच की निकल जाएगी, एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है, फिर भी साइड में से कलियों में से ले लेंगे 1.25 इंच, तो ताकि जो ज्वाइंट में आ जाए और नीचे तक हमारी कलियाँ जुड़ जाए। अब मान के चलो कोई बोलता हो कि किसी के पास बहुत ही कम फैब्रिक है ये लगा के चलो, या फिर कोई बोलता हो कि हमारी कलियाँ ऊपर जोड़ देना, तो उसमें हम पल्ले कैसे लेंगे, 9, 9.5 इंच के ले लेंगे जितने भी हमारे बन रहे हैं। हम फिर उसके बाद यहाँ से मोहरी मापेंगे, जैसे कि मान के चलिए यहाँ तक मान लो 6 इंच हो गए हमारे पल्ले, 9 इंच के आइडिया लगाते हैं। उसके बाद ऐसे तिरछा निशान खींचेंगे, जब हम कलियाँ कट करेंगे ना तो वो लेंथ हम कलियों की यहाँ तक की लेंगे ताकि हमारी जुड़ने में आ जाए। लेकिन वो कलियाँ अच्छी लगती ही नहीं है कि अगर आपने ऊपर की तरफ कलियाँ लगानी हो तो। अब इनको हम साइड में कर देते हैं, कलियाँ कट करेंगे। तो हमने बताया ज़्यादा हैवी सलवार नहीं बना रहे हम, तो डबल फोल्ड ही करेंगे फैब्रिक को अब भी। अब हमने फिर से लेंथ लेनी है, यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं 36। यहाँ से हमने मोहरी का आपको साइज बता दिया कि हम किस तरीके से निकाल देते हैं, लगभग सही आती है हमारी, तो 1 इंच वैसे ही ले लेते हैं हम, 1 इंच ही लेंगे, ज़्यादा लेंगे वेस्ट ही जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ आती है आसन की बारी, हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पे, तो हम आसन अपनी मर्जी से ले लेंगे बगैर सोचे समझे, ठीक है। अगर आपके पास फैब्रिक होता कम, यहाँ पे इतना सा होता यानी कि कम होता, अपना आसन नहीं निकल रहा, तो हम दूसरी तरफ से भी लेंथ देखते पहले, ठीक है। आसन हम बाद में कम कर देते हैं, जैसे कि हमने 3 मीटर की सलवार में बताया था, आसन हम बाद में निकाल लेते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक्स्ट्रा ही फैब्रिक है तो हम यहाँ से लेंगे लेंथ 16 इंच, इसमें हमने आसन कितना लिया है 16 इंच का, ये स्टैंडर्ड साइज होता है।
कि 16 इंच का, जैसे हमने उसमें बताया था 9 इंच का स्टैंडर्ड साइज होता है, ये 16 इंच का स्टैंडर्ड साइज होता है। अब सलवार ज़्यादा हैवी नहीं है, यानी कि लेंथ ज़्यादा नहीं है, 34 इंच की है, तो आप इसको कम भी कर सकते हो, यहाँ से 15 साढ़े 15 इंच का ले सकते हो। आसन हमने कम कर दिया, स्टैंडर्ड साइज होता है 16 का, हम बड़ा भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से और इसको ऐसे मिला देते हैं, यहाँ से कलियाँ कट कर लेते हैं। अब वापस से इन्हीं कलियों को रखते हुए दूसरी कलियाँ भी कट कर ले, कट कर लेते हैं, यहाँ से भी अलग अलग कर देते हैं। तो ये हमारी कलिया कट हो गई सिंपल सलवार, इसको हम सिंपल सलवार बोल सकते हैं बिना बेल्ट की। ये हमारे पल्ले हो गए हैं यहाँ पे, बस इसमें हमें और फैब्रिक की नीड नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, इसको हम मोहरी में यूज कर लेंगे, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो ये आपकी जो बिना बेल्ट की सलवार है वो कट हो गई, जिसको आप सिंपल सलवार का नाम भी दे सकते हो। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं आठ कली की सलवार। ये फैब्रिक हमारे पास वैसे ही है, अगर आपके पास ऐसी नौबत आ जाए कि आपका सारा फैब्रिक यूज होना चाहिए, किसी भी एंगल से यूज नहीं हो रहा, तो उसको आप आठ कली की सलवार बना सकते हो, टोटली यूज हो जाएगा। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसी तरीके से सबसे पहले हम पल्ले कट कर लेते हैं और बेल्ट जो हमने स्टार्टिंग की सलवार में आपको सिखाया है। यहां से डबल फोल्ड किया फैब्रिक को, 4 इंच माइनस करेंगे, इक्वल कर लेना है फैब्रिक को, कोई भी फैब्रिक पहले सीधा बिछाएंगे, इक्वल करेंगे, उसके बाद हम लेंथ लेंगे, 4 इंच माइनस करेंगे, 37 लेंथ, 37 पे हम निशान लगा देंगे, यहां से 4 इंच माइनस करेंगे, 37 पे निशान लगा देंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, 7-7 इंच की बेल्ट कट करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है हमारा फैब्रिक का बना है वो चौड़ा है, इसलिए हमने 7-7 इंच पे पहले ही निशान लगा दिए। आपको बेल्ट का भी साइज एक बार अभी बता देते हैं, हम कैसे कट करते हैं, काफी बार बता चुके हैं, हमारी जो हिप है वो 36 है, तो उसका हाफ किया 18 हो गया, उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे, 1 इंच मार्जिन का लेंगे, क्लियर हो गया। तो ये हमारा निशान बेल्ट का लग गया, हमने सारे निशान एक बार में ही लगा दिए, इसको कट कर देते हैं, यहां से पल्ले कट कर देते हैं, यहां से बेल्ट कट कर लेते हैं, साइड में जो बच गया इसको हम मोहरी में यूज करेंगे, इसको भी अलग अलग कर देते हैं यहां से। आपकी बेल्ट और पल्ले बहुत ही जल्दी में कट हो गए, ठीक है। अब हमने कलिया कट कर ली, इसको साइड कर देते हैं, इसमें से हम कलिया कट करेंगे। अब ये देखो जो समझने वाली बात है, इसको हम इस तरीके से बिछा रहे हैं, हमारी लेंथ नहीं बन पा रही है, 4 इंच माइनस किया, 37 लेंथ चाहिए, 34 ही बन रही है, तो इसको हम तिरछा तो कट करेंगे नहीं। अगर आपने पहले देख लिया होता फैब्रिक, समझा रहे आपको, पहले देख लिया होता फैब्रिक, तो हमने जैसे पहली सलवार बताई उस तरीके से आप कट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपने तो पल्ले और जो बेल्ट है कट कर दिए, बाद में देखा आपके लेंथ नहीं बन रही, अगले ने बोल रखा है कि आपने कलियां तिरछी नहीं कट करनी किसी भी एंगल से, तो कलियां तिरछी कट नहीं करोगे तो अब इसका क्या सॉल्यूशन करें, हम इसको आठ कली वाली निकालेंगे। तो इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं, यहां से इसकी लेंथ लेते, 4 इंच माइनस किया, लेंथ ले लेनी है, ये कौन है यहां से, इसको निकाल देते हैं, 4 इंच माइनस किया, 36 निशान लगाया, ओके 37 पहले वाली सलवार थी वो ध्यान रह गया, 37 पे निशान लगा लिया। अब हमने क्या देखना है कि हमारा जो फैब्रिक है आगे की तरफ कितना बच गया, यहां से
इसमें लेंथ तो हमने देख ही ली थी, दूसरी कलीन हमारी नहीं निकल रही, तो हम इस फैब्रिक को एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आगे की तरफ फैब्रिक कितना बच गया। यहाँ से हमारा 26 के करीब बच गया, हमारे 26 हो गया हमारा फैब्रिक। अब हम क्या करेंगे, पल्ले और कली बेल्ट हमारी निकल चुकी है, अब हमने आगे वाली कलियाँ भी लेनी है और यहाँ पे कलियाँ अलग से जोड़नी भी है, और फैब्रिक हमारे पास इतना ही है। तो हमारा हो गया 26, इसका हाफ कर देंगे, कितना हो गया 13। तो 13 का हम यहाँ पे एक निशान लगा लें इस तरीके से, ये निशान लगाया। अब हमने क्या करना है, मोहरी देखनी है हमारी, कि हमारी मोहरी है 6 इंच की, हमारे पल्ले थे 7 इंच के, तो लगभग हमारी मोहरी उसमें से बन जाएगी, जो पल्ले थे उसमें से मोहरी बन रही है। हमने ओनली 1/2 इंच ही लिया यहाँ पे, या ये मैं काफी बार बता चुकी, आप समझ जाओ कैसे निकालना। यहां से हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं और यहां से कट कर देते हैं। ये हमने 13 इंच का आइडिया कैसे लिया, आसन बढ़ा लेने के लिए, जितना फैब्रिक बचा उसका हाफ कर दिया, यहां से हम कट कर देते हैं। इन्हीं कलियों को उठाएंगे और इधर रख देंगे, अब यहां से भी कट कर लेते हैं। यहां से कट कर देते हैं, इनको अलग अलग कर देंगे, जो हमारे ये पार्ट है यहाँ पे। अब हमारे पास बचा है ये फैब्रिक, तो लेंथ हमने देख ही ली थी कि हमारे इस तरीके से जुड़ जाएगी, 13 इंच की हमने ली थी, 13 इंच की हमारे पास ये लेंथ है। तिरछा चाहो तिरछा कट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये तो ऊपर जाएंगी कलियाँ, इतनी दिखेंगी नहीं, तो यहाँ पे आप जोड़ के भी इसको कट कर सकते हो। और अगर आपने सीधा ही लाइनिंग वाला फैब्रिक या कैसे भी है आपका, तो फिर तो आपने ऐसे ही रखनी पड़ेगी इसी तरीके से, 13 इंच लेंथ थी, 13 इंच हमने यहाँ पे ले ली। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हमने आसन लेना है, जैसे कि हमारा जो आसन है वो 9 इंच का है, तो आप पहले एक काम कीजिए, इस निशान को रखने के बाद यहाँ पे इस तरीके से तिरछी लाइन मिला दीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा ही इधर की तरफ ले रहे हो तो ये बहुत ही तिरछे में जा रहा है। इसमें क्या होएगा, आपकी सलवार नीचे से भारी नहीं होएगी, हाँ ऊपर ऊपर से आपकी भारी हो सकती है, जैसे कि म्यानी लगाते हैं उस जैसे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से जो ये आपका फैब्रिक है, जैसे कि मान के चलिए 9 इंच का आसन लेना, इतनी आपकी ये छोटी कलियां जुड़ जाएंगी, इसको आप म्यानी बोल सकते हो, छोटी कलियां बोल सकते हो, जिसको आप 8 कलियों का नाम दे सकते हो, ठीक है। ये फैब्रिक कम था थोड़ा और होता तो थोड़ी और लंबी जुड़ जाती, तो इस तरीके से निकाल सकते हो अगर आपने बिल्कुल ए शेप में ही कलियां कट करनी। अब कोई हैवी साइज है जैसे कि नॉर्मल साइज के तो लिए, तो आप ऐसे ही बस कट कीजिए, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया, इसको मोहरे में यूज कीजिए। अब हैवी साइज है, उसमें हम क्या करते हैं, म्यानी लगाते हैं। हैवी साइज में क्या होता है, हिप ज्यादा होती है तो उसको बैठने में दिक्कत आती है, उसको नीचे से भारी की नीड नहीं है, लेकिन ऊपर से खुली होनी चाहिए, तो उसमें हम इस तरीके से कट कर सकते हैं। 9 इंच यहाँ पे लिया, जितना हमारा ये फैब्रिक है इस तरीके से, और यहां से इसी तरीके से राउंड, ठीक है, फिर ये सारा का सारा फैब्रिक उसमें यूज हो जाएगा, कि उसको एक तरह से म्यानी वाला ये सारा फैब्रिक मिल गया, और यहां से बस ये ही वेस्ट गया, यूं का यूं जोड़ सकते। तो आप अगर वैसे नॉर्मल सलवार बनाना चाहते हो ए शेप में, बिल्कुल खड़ी खड़ी रहे जो नीचे से भी, और ऊपर भी आपको इतना झुब्बा नहीं चाहिए जैसे कि जो बहुत ही इकट्ठा हो जाता है फैब्रिक, तो आप यहाँ से कट कीजिए, 4 कलियाँ जोड़िए, वरना आप यहाँ से कट कर सकते। तो हम इसको मान के चलो थोड़ा सा 9 इंच का आसन आपका ये हो गया, यहाँ से इतना सा बढ़ा के ले लेते हैं, पूरा तो नहीं लेंगे, इतना सा बढ़ा के ले लेते हैं ये से। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं। यहां से भी कटिंग कर देंगे अलग से। ये सलवार आप जैसे कि लाइनिंग वाली सलवार हो ना आपकी, और आप कट कर चुके हो
पल्ले और कलियां कट कर चुके हो उस टाइम भी यूज कर सकते हो मेथड बिल्कुल ठीक है। पल्ले और कलियां कट कर चुके हो, बाद में देखा आपकी लेंथ नहीं बन रही है लाइनिंग वाली सलवार को, तिरछा कट नहीं कर सकते, आप इस तरीके से उसको कट कर दीजिए ठीक है। बस ये आपकी आठ कलियों की सलवार बोल सकते हो, मियानी वाली सलवार भी अगर कोई बोलता है वो इसी को बोल सकते हो, एक मियानी अलग से लगती है 3 इंच की, वो अलग होती है। तो इसको भी साइड करते हैं, अब और सिखाते हैं आपको एक सलवार और। ये देखिए आपको तीन सलवारें बता चुके हैं, एक सिंपल 3 मीटर की होगी थी, चार सलवारें होगी। अब हम आपको सिखा रहे हैं बिना कलियों की सलवार, जिसमें कली यानी कि ज्वाइंट आएगा ही नहीं, कहीं भी पूरी ही सलवार स्टिच हो जाएगी, कहीं भी ज्वाइंट नहीं आएगा। अगर आप इसको बिना बेल्ट की भी बना रहे हो तो बेल्ट में भी ज्वाइंट नहीं आएगा। इसी को आप बिना बेल्ट की भी बना सकते हो, इसी को आप बेल्ट की बना सकते हो, बेल्ट बेल्ट में ज्वाइंट आएगा, नीचे कली पल्ले जोड़ने में ज्वाइंट नहीं आएगा ठीक है। मेथड ऐसे ही रहेगा, बिना बेल्ट की बना रहे हो तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 16 इंच का आसन लेना जो हम सिखाएंगे ठीक है, आप समझ पाओगे। तो अब हम आपको सिखा रहे हैं बेल्ट वाली लेकिन बिना कलियों की। जब आप बिछाओ ध्यान रखना, हम हर बार बिछा रहे थे ओपन हिस्सा हमारी तरफ था, अब की बार फोल्डेड हिस्सा हमारी तरफ, क्लियर, फोल्डेड हिस्सा हमारी तरफ, गलती मत कर देना कहीं, ओपन हिस्सा इधर कर लो फिर कट करो, आपके 4-8 टुकड़े हो जाएंगे, कहाँ ज्वाइंट नहीं देने थे काफी ज्वाइंट लग जाएंगे ओके। तो ये ध्यान रखना कि बिना कलियों के, फिर तो कलियां क्या, फिर तो पल्ले में भी कलियां जोड़नी पड़ेंगी आपको, ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल याद रखना, फोल्डेड हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए बिना कली की सलवार बना रहे हो तो। अब हम लेंगे जैसे कि इसकी लेंथ, बेल्ट वाली बना रहे हैं लेंथ, इसमें हम मोहरी का फैब्रिक भी साथ में ही लेंगे, मोहरी का फैब्रिक अलग से नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि क्या करते हैं, हम अलग से पट्टी लेते हैं, उस पर जोड़ते हैं, फिर हम बनाते हैं। आप चाहो तो लेंथ कम हो रही हो तो आप अलग भी जोड़ लेना, लेकिन हम साथ वाली सिखा देते हैं आपको कि हमने मोहरी के लिए जो फैब्रिक अलग से फोल्ड करते हैं नीचे, वो भी इसी में लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं, 3.5, इसकी जो लाइन है सीधी ड्रॉ कर देते हैं। 3.5 पे हमने निशान लगाया क्योंकि हमने 3 इंच की फॉर्म या जो भी बुकरम है वो लेनी है, हो गया 1/2 इंच ये फोल्ड होने में जाएगा, ये आपकी जो बुकरम है वहां पे वो आ जाएगी। अब हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ हम इस लाइन से निकालेंगे, ये एक्स्ट्रा ले लिया हमने। अब हम यहाँ से 4 इंच माइनस कर रहे हैं, जिसकी जितनी लेंथ है 37 लेंथ पे हम एक निशान लगा लेते हैं। सेम वही तरीका चलता रहा हमारा, 4 इंच माइनस करके लेंथ जितनी है उतनी ले ली। अब हम हर बार एक बार भी माइनस प्लस नहीं कर रहे, इनके अलग से मैच नहीं लगा रहे, इनसी टेप कोई बार निकाल रहे। अब हमने सेम ऐसे ही 4 इंच माइनस किया इस लाइन से, इधर भी निशान लगा लेना, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये तो हमारी होगी यानी कि बेल्ट वाली सलवार, इसमें ये कपड़ा बच गया, इसमें से हम बेल्ट कट कर देंगे, क्लियर। अब जैसे कि मान के चलो आपको बिना बेल्ट की बनानी, सिंपल सलवार बनानी, उसमें आप क्या करते हैं, नीचे तो ऐसा वैसा रख लेते, यहां से आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेते, यानी कि 37 है तो 39 पे निशान लगाते ठीक है, 39 पे लगाते तो देखो कितनी लंबाई बढ़ जाती, कहाँ तक आता आपका, यहाँ तक आता, क्योंकि इसमें हमने 4 इंच माइनस भी बेल्ट का कर रखा है, फिर उसमें पूरा का पूरा फैब्रिक आपका यूज हो जाता जो कि अब भी होएगा। अब बेल्ट निकालेंगे इसमें से, फिर वैसे निकल जाता, इक्वली चीज थी। लेकिन अब हम बना रहे हैं इस तरीके, तो यहाँ से ये तो एक्स्ट्रा ले रखा मार्जिन का, यहाँ से कट कर देते हैं इस तरीके से। कई बार ये सलवार हम किस कपड़े पे बनाते हैं, जैसे कि मोहरी पे डिजाइन नहीं आता, वो हमें कट करनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने मोहरी बनानी है 6.5 की, इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेते हैं ऐसे, जो हमारा ये निशान था यहाँ तक, इस फैब्रिक को हमने ऐसे फोल्ड कर लिया, 6.5 की मोहरी बनानी है, 6.5 पे एक निशान लगाते हैं और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। लेकिन ये निशान अगर आपने साथ में फैब्रिक ले रखा है तो ऐसे फोल्ड करके ही लगाना, ध्यान रखना। इसके बाद हम जो साइज लेंगे,
यहाँ से हाँ 9.5 का आसन ले देते हैं आपका, ये आपके ओके 9.5 का आसन ले देते हैं साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमने यहाँ से इस तरीके से ऐसे तिरछे में इस निशान को मिला देना है, और इसको कट कर देना है। ये तो है बिल्कुल ही आपकी जो स्ट्रेट सी सलवार होती है खड़ी उस तरीके की, कि आपने यहाँ से इसको ऐसे कट करना है। अगर आप इसी को भारी बनाना चाहते हो, आप चाहो कि हमें तो थोड़ी हैवी में चाहिए ये ही सलवार, कपड़ा इतना ही है, ये वेस्ट जा रहा है, क्यों हम इसको वेस्ट करें, तो आप क्या करोगे, सारे फैब्रिक को माप लोगे जैसे हमने पहले मापा था आसन कट होने के बाद, कि नहीं आसन कट होने के बाद नहीं, सारे फैब्रिक को मापोगे ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि समझ के चलो आपका यहाँ से ये टोटल फैब्रिक कितना हो गया 33 इंच का, इसका हाफ कितना होता है 16.5, तो 16.5 पे एक निशान लगाओगे, इस 16.5 को मिला दोगे, यहाँ से जो फैब्रिक बचा उसको उठा के वहां रख दोगे, और आसन कट करके ऐसे कैसे सारा यूज कर लोगे, ठीक है। अगर हैवी बनानी हो तो इसी को, इसको हम यानी बोल देते हैं, अलग से 4 कलियां भी बोल देते हैं कि निकाली है हमने, समझ आ गया। अगर इसी को हैवी बनाना तो हम किस तरीके से बनाओगे, आप चाहते हो इसको थोड़ा सा बढ़ाना, ओके। तो इसमें हमने ये फैब्रिक तो फोल्ड कर रखा, तो ये 33 था हमारा, हमारा नीचे भी है एक्स्ट्रा फोल्ड हुआ, तो हम इसको 36 मान के चलते हैं, तो 36 का हाफ हो गया 18, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से मिला देते हैं, थोड़ा सा ऊपर ही रख लेते हैं क्योंकि फिर हमारी फोल्डेड होने में दिक्कत होगी। यहाँ से अब हमारा ये देखो कितना फैब्रिक बढ़ गया यहाँ से, ठीक है। अब हम इसकी यहां से कटिंग कर देते हैं, इस तरीके से। अब जो ये फैब्रिक हमारा बच गया इसको हम साइड में लगाएंगे, हल्की बनानी हो तो ऐसे बनाओगे, थोड़ी सी हैवी करनी है तो ऐसे बनाओगे। इस फैब्रिक को हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा लेना है, इसको खोल के दिखाते हैं आपको, आपकी मोहरी कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर आपने इसको फोल्ड ना किया होता तो आपकी ये ऐसे कट हो जाती, फिर आप इसको फोल्ड करते हैं तो आपका ये कट यहाँ पे आता। अब इसको जब आप ऐसे बनाओगे ना तो ये यहाँ पे मिलेगी जाके, तो आप अगर साथ में मोहरी का फैब्रिक ले रहे हो तो ऐसे कट करोगे, ध्यान रखना। अब हम आसन ले लेते हैं यहाँ से 9.5, इसमें हमारा बिल्कुल भी फैब्रिक वेस्ट नहीं हुआ, जरा सा गया है, और यहां से हम इसके साथ इसको ऐसे मिला देते हैं। ये एक्स्ट्रा छोटी कतरन है इनको साइड कर देते हैं, ये हमारी छोटी कलियां होगी, समझ आ गया। इसमें से हम बेल्ट कट कर लेंगे, अब जो हमारा ये फैब्रिक बच गया, तो बेल्ट हमारी जैसे कि हिप कितनी थी 44 है, ओके। तो हमने कैसे निकालनी है बेल्ट, हमारा 22 हो गया हाफ, उसमें 3 इंच प्लस 25, 1 इंच एक्स्ट्रा 26 की हम बेल्ट निकालेंगे। सेंटर से इसको अलग कर देंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है 7 इंच की है तो सही है, वरना एक्स्ट्रा उसको कट कर। बस इस तरीके से यहां से भी अलग कर देंगे, ये हमारी बेल्ट होगी, इसको हम मोहरी में यूज करेंगे, बस हमारा यही फैब्रिक क्लियर हुआ, समझ आ गई सबको। बिना कलियों की सलवार, इसी को हम सिंपल सलवार का लुक दे सकते हैं, इसी को हम बेल्ट वाली बना के इसका लुक दे सकते। अभी समझ तो आ गया आपको, लेकिन इसकी मोहरी जो बनाओगे वो कैसे बनाओगे, वो चीज देखो। हम 3 इंच की फोम लेंगे, बुकरम लेंगे, पहले उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे उल्टी तरफ से बुकरम के ऊपर इसको, फिर हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, बस हमें कुछ भी अलग से फैब्रिक नहीं लेने की जरूरत, इसमें मोहरी का डिजाइन छाप देंगे, ठीक है, हो गया। सो हे गाइस, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए, पसंद आई है
तो लाइक में अपना प्यार दिखाइए और इसको शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है, यानी कि आपको हमसे जुड़े रहना है, तो प्ले स्टोर पे जाइए, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है टैलेंटेड रितु इंसा। और अगर आपको लाइफ टाइम के लिए क्लासेस चाहिए या फिर किसी भी ड्रेस की स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप ऐप से बिल्कुल ले सकते हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप जो ये नंबर देख रहे हो इन पे कॉल करके डिटेल ले सकते हो। थैंक यू।